स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज द लॉ ऑफ डाइल्यूशन. सो व्हाट इज द लॉ ऑफ डाइल्यूशन, जस्ट सी आउट. सपोज वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन हैविंग द मोलैरिटी m1 वॉल्यूम v1, क्लियर. एंड इन दिस सॉल्यूशन इफ यू ऐड सॉल्वेंट, आप इसमें सॉल्वेंट ऐड करो, और अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है देन वी कैन से कि आप इसमें वाटर ऐड करो. तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, जो वॉल्यूम V1 है वो चेंज होकर क्या होगी V2, तो मोलैरिटी M1 से क्या हो जाएगी M2. तो ये जो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन है दिस इज सेड टू बी डाइल्यूशन. पहले मीनिंग देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का मीन्स क्या होता है, सिंपल एडिशन ऑफ सॉल्वेंट और वाटर टू अ सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन में आप सॉल्वेंट ऐड कर दो या आप वाटर ऐड कर दो, दैट इज सेड टू बी द डाइल्यूशन. सो सी आउट, अब आपका सॉल्यूशन की मोलैरिटी पहले थी m1, वॉल्यूम थी v1, जब आपने उसमें प्लस सॉल्वेंट या प्लस वाटर ऐड किया, दिस इज सेड टू बी डाइल्यूशन. सो डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम v1 से v2 हो गई और मोलैरिटी m1 से m2. So what is the law of dilution? He says m1 v1 equal to m2 v2. This m1 v1 is the molarity and volume before dilution, whereas m2 v2 is the molarity and volume after dilution. And same we can apply in case of normality also. n1 v1 equals to n2 v2. n1 v1 normality and volume before dilution, n2 v2 normality and volume before dilution. तो ये फॉर्मूला क्लियर हुआ आपको, what is law of dilution, these are the two formulas. इसमें अब और चीज़ें भी पूछते हैं. एग्जामिनर में ask what is the volume of water or solvent added. भाई कितना हमने water या solvent add किया, तो simple थोड़ा सोचिए बेटा कि suppose हमारे पास starting में 10 liter water था, सोल्यूशन था, और बाद में 20 लीटर सोल्यूशन हो गया, तो कितना ऐड किया हमने, 20 माइनस 10, 10. तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ वाटर या सॉल्वेंट एडेड, इट इज़ V2 माइनस V1. द फॉर्मूला इज V2 माइनस V1. अब एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट एडेड, फ्रैक्शन मतलब भाई यू कैन से 1 बाई टू ऐड किया, 1 बाई थ्री ऐड किया, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, V1 अपॉन V2. एंड इन द लास्ट परसेंटेज ऑफ वाटर और सॉल्वेंट एडेड, दिस इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इनटू 100. तो बेसिकली आपको कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, फर्स्ट यू हैव टू लर्न M1 V1 इक्वल टू M2 V2. नॉर्मेलिटी के केस में एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू. वॉल्यूम ऑफ वाटर और सॉल्वेंट एडेड वी टू माइनस वी वन. फ्रैक्शन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट एडेड वी वन अपॉन वी टू. एंड परसेंटेज ऑफ वाटर और सॉल्वेंट एडेड वी वन अपॉन वी टू इंटू 100. सो स्टूडेंट नाउ वील डू द न्यूमेरिकल्स. क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर वन ही सेज 2 molar 10 liter NaOH solution. We are having 2 molar 10 liter NaOH solution is diluted to. इसको dilute किया कितना, 100 liter तक. What is its molarity? ये molarity find out करनी है. So बेटा ये आपका M1 2 molar, V1 10 liter, M2 फाइंड आउट करना है, और V2 कितना है आपका, 100 लीटर. सो अप्लाई द लॉ ऑफ डाइल्यूशन, M1 V1 इक्वल टू M2 V2. सो M1 2, V1 10, M2 फाइंड आउट करना है और V2 है 100. सो M2 कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 अपॉन 100. जीरो से जीरो कैंसिल. सो 2 बाई 10, दिस इज कम्स आउट टू बी 0.2 मोलर. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर टू. इन क्वेश्चन नंबर टू ही सेज व्हाट वॉल्यूम ऑफ 20% NaOH सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी. आपके पास गिवन है 20%
NaOH सॉल्यूशन जिसका डेंसिटी आपको दे रखा है 2 ग्राम पर ml, इसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है. व्हाट वॉल्यूम ऑफ 20% NaOH सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. इससे प्रिपेयर क्या करना है बेटा, 2 मोलर 10 लीटर NaOH सॉल्यूशन. तो ये भी NaOH का सॉल्यूशन, ये भी NaOH का सॉल्यूशन, यानी प्रोसेस इज डाइल्यूशन. तो यहां पर M1 V1 हमें फाइंड आउट करना है, यहां पर M2 कितना है बेटा 2 मोलर और V2 कितना है 10 लीटर. तो यहां पर अब मोलैरिटी नहीं दे रखी, बट आपको क्या गिवन है, परसेंटेज बाय मास. तो हम M1 निकालेंगे पहले, V1 आपको फाइंड आउट करना है. M1 परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10/mv, तो कितना परसेंटेज है 20, डेंसिटी 2 × 10, मोलर मास ऑफ NaOH इज 40, सो 20 × 2 = 40 से 40 कैंसल, मोलैरिटी कितनी आ गई आपकी 10 मोलर, दिस कम्स आउट टू बी 10 मोलर. नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला M1V1 = M2V2. अब M1 कितना है 10, V1 फाइंड आउट करना है बेटा, M2 2 एंड V2 10, 10 से 10 कैंसल आपका, सो V1 कम्स आउट टू बी 2 लीटर. सो इसमें क्या था कि आपको स्टार्टिंग में मोलैरिटी नहीं दे रखी थी, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने पहले क्या, फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करी, मोलैरिटी. सो दिस इज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 2. नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 3. सो ही सेज 10 मोलर 2 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन, 10 मोलर 2 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन गिव्स 2 मोलर 10 लीटर सॉल्यूशन. जब आप इसका डाइल्यूशन करेंगे तो ये आपको देगा बेटा 2 मोलर 10 लीटर सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन. कैलकुलेट फ्रैक्शन एंड परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड. आपको कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन ऑफ वाटर एडेड एंड परसेंटेज ऑफ वाटर एडेड. चलिए, सो ये बेटा आपका वॉल्यूम V1, ये मोलैरिटी M1, ये मोलैरिटी M2 और ये वॉल्यूम V2. तो फ्रैक्शन ऑफ वाटर एडेड क्या होता है बेटा, V1/V2, और परसेंटेज क्या होता है, V1/V2 × 100. तो V1 कितना है 2, V2 कितना है 10, देखिए 2/10, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.2. परसेंटेज में 2/10 × 100 कैंसल आउट, दिस कम्स आउट टू बी 20%. यानी हमने कितना वाटर ऐड किया, हमने 20% वाटर इसमें ऐड किया. एक चीज़ और निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिट, हालांकि बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिट V2 - V1, 10 - 2, दैट इज 8 लीटर. ठीक है, सो स्टूडेंट दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. नाउ व्हाट वॉल्यूम ऑफ 20% NaOH सॉल्यूशन. आपके पास 20% NaOH सॉल्यूशन है, इसकी वॉल्यूम आपको निकालनी है. हैविंग डेंसिटी 2 ग्राम पर ml, इसकी डेंसिटी बेटा 2 ग्राम पर ml है. इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, इससे प्रिपेयर क्या करना है, 2 normal 10 लीटर NaOH सॉल्यूशन. अब देखो यहां पर पहले इन्होंने कह रखा है NaOH सॉल्यूशन और बाद में सॉल्यूशन का नाम नहीं लिया, इट मींस बाद में भी क्या है NaOH सॉल्यूशन. सो जस्ट सी आउट, अब पहले भी NaOH सॉल्यूशन बाद में भी NaOH, तो इट मींस प्रोसेस क्या है आपका, डाइल्यूशन. अब नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो N2 इज 2 normal, V2 इज 10 लीटर और V1 हमें निकालना है. बट वी नो अब हमें N1 की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डाइल्यूशन N1V1 = N2V2. तो परसेंटेज बाई मास है, तो परसेंटेज बाई मास, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10, ध्यान से समझिए, upon mb. यहां तक फॉर्मूला था मोलैरिटी का, इंटू n फैक्टर कर दोगे तो किसका हो जाएगा, नॉर्मेलिटी. तो परसेंटेज बाई मास है 20,
डेंसिटी 2 इंटू 10 इंटू, अब एन ए एच में एक ओ एच है तो एन फैक्टर 1 हो गया सिंस देर इज 1 ओ एच नेगेटिव, अपॉन मोलर मास 40, 20 टू जो 40, 40 से 40 कैंसल, नॉर्मेलिटी इज 10 एन, ठीक है। तो एन वन कितना आया 10, अब पुट कर दो बेटा, सो 10 इंटू वी वन इक्वल टू, एन टू कितना है बेटा 2 और वी टू कितना है 10, तो 10 से 10 कैंसल, वी वन कम्स आउट टू बी 2 लीटर, क्लियर। सो दिस वी हैव डन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है ना। बेसिकली हम इसको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों पे अप्लाई करते हैं, ध्यान रखना इट इज एप्लीकेबल टू मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज द लॉ ऑफ डाइल्यूशन, दैट्स ऑल।